नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे आदि पुरुष फिल्म की। आदि पुरुष का टीजर पिछले कुछ दिनों से जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जब किसी भी फिल्म के साथ ऐसा होता है तो मेकर्स खुश होते हैं, पर यहां पर मामला उल्टा हो गया है क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन बनने का मामला भी उल्टा है। आपको बता दें कि आदि पुरुष के टीजर में पॉजिटिव कम नेगेटिव चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं। पहले इसके VFX को लेकर इसे ट्रोल किया गया, फिर जो लंकेश बने सैफ अली खान की लुक को लेकर जनता हाथ धोकर पीछे पड़ी गई। अब हनुमान के लुक के ऊपर भी साथ साथ ही चमड़े के कपड़े जो उन्हें पहनाए गए हैं उन्हें आपत्तिजनक बताया गया है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इसके लिए तो फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को चिट्ठी तक लिख डाली। कई नामी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। अब एक और मामला इसमें सामने आ रहा है, वो मामला है कि फिल्म में प्रभास के पहने हुए जूते। दरअसल फिल्म में राम का रोल निभाने वाले प्रभास ने टीजर में कई झगा पट्टी वाले चमड़े के जूते जैसा कुछ पहना हुआ है। सिर्फ राम नहीं बल्कि उनके साथ हनुमान और लक्ष्मण के किरदार ने भी ऐसे ही जूते पहने हुए हैं। जनता इसमें भी टॉक ऑफ द सोशल मीडिया बना दिया। उनका कहना है कि राम भगवान उस समय जूते नहीं पहनते थे, वो खड़ाऊ पहनते थे। अगर राम ने जूते पहने होते तो भरत अपने साथ अयोध्या खड़ाऊ लेकर क्यों जाते? तो ये बड़ा सवाल इस पर आ रहा है और इस पर लोग लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। लोग कई पुरानी राम की तस्वीरें जो हैं उन्हें शेयर कर रहे हैं, कई जो हिस्टोरिकल मूर्ति हैं राम भगवान की उन्हें शेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन बहुत सारे लोगों का सामने देखने को मिल रहा है और बार बार इस मूवी को लेकर, इस फिल्म को लेकर कई सारी नए नए एंगल्स निकाल के कई सारी नई नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही है। वैसे तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।